जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। इस काम में ऐसा नहीं कि पहले ये होता नहीं था, बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था, लेकिन जो शेष बचे हुए थे इन वर्षों में जब से ये 2016 से योजना शुरू हुई है, 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने जो शब्द कहे थे वो कहा था जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। तो पानी का इतना महत्व उन्होंने बताया, पानी पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए हो, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। वैसे तो जल स्रोत हमारे नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में यहाँ आते हैं, लेकिन आवश्यकता अधिक होती है, पानी हमको कम मिलता है। इसके कारण से हमने अपने प्रदेश में पानी का एक अच्छा प्रबंधन भी किया है। सिंचाई के नाते खुली सिंचाई के बजाय हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए हैं। जो पानी हम एक बार उपयोग कर लेते हैं उस उपयोग हुए पानी को बाद में उसका एक प्रकार से प्रोसेसिंग करके उस प्रोसेस के करने के बाद उस पानी को साफ करना और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने जो लगाए हैं उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पानी साफ होकर के हमको मिलता है उसका दोबारा से उपयोग करने का क्रम रीयूज ये हमने शुरू किया है। और उसमें भी खेती के लिए उपयोग होता है, उद्योग के लिए उपयोग होता है, घरों में पीने के अलावा बाकी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उपयोग होता है। तो ये मुहिम भी हमने चलाई है और हमारे यहाँ पानी के प्रबंधन को लेकर के बहुत अच्छा एक काम हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी और संस्थाओं ने भी इसको सराहा है। हमने पानी जो आखिरी छोर तक जहाँ वर्षा कम होती है पानी उपलब्ध नहीं होता था वहाँ भी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और पानी पहुँचाया है। गाँव के तालाब, जो तालाब हमारे स्रोत हैं पानी को इकट्ठा करने के, वो तालाब भी बहुत गाँव के अंदर सूख जाते हैं, उनमें पानी भरने का काम किया है। बहुत जो पानी से अति एक प्रकार से ज़्यादा होने के कारण से और ओवरफ्लो होते हैं उनमें गंदा पानी होता है, उसमें भी तालाब अथॉरिटी हरियाणा की बना करके हमने उस पानी को साफ किया है और उस साफ किए हुए पानी का उपयोग सिंचाई में करने की भी हमारी योजना है। तो ऐसे पानी पर काम करने का जो मुहिम हमने चलाया है वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा एक मुहिम है। हमारे हरियाणा का जितना बजट बाकी आवश्यकताओं में लगता है उतना पानी की और बचत में, पानी के पुनर्उपयोग में, पानी की उपलब्धता में, पानी के स्टोर करके घर घर में देने के लिए, जैसे हमने पिछले साल में 1457 करोड़ रुपए लगा करके 4774 नलकूप लगाए हैं, 1240 बूस्टिंग स्टेशन भी लगाए हैं। हमने जो 500 करोड़ रुपए लगा करके नहर आधारित जलघर 271 और नलकूप आधारित जलघर 229 ऐसे 500 ये जलघर भी बनाए हैं। ऐसे सब काम करते हुए और पानी की उपलब्धता पर्याप्त हो ये काम हमने पूरा किया है। मैं अंत में एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा कि पानी तो हमको मिला, पानी की उपयोगिता के हिसाब से हम पानी उसका उपयोग करें, लेकिन स्वभाव में हमारा ये रहता है कि इस पानी का तो मुफ्त का पानी है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पानी अमूल्य है। पानी उपयोग में आए उसका जरूर उपयोग करें, लेकिन उस पानी का दुरुपयोग ना करें, उसको व्यर्थ ना गवाएं। हम गांव में घर में जब पानी आता है तो उसकी टूटी उसी समय खोलें जब पानी की आवश्यकता है। हर समय टूटियां खोलकर रखना और वो पानी हमारी नालियों के माध्यम से गंदा होकर के फिर हमारे तालाबों में जाए उसका उपयोग नहीं है। तो अगर पानी की एक भी बूंद बचेगी या तो किसी के पीने में काम आएगी या किसी खेती की सिंचाई करने में काम आएगी, उसका निरंतर हमको लाभ होगा। तो हर बूंद का उपयोग, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, इस अनुसार पानी बचाने का भी मुहिम हम चलाएंगे। आज तो मैं जिन घरों में जो आज तक पानी जाता नहीं था और नल लगा करके उनके घर के अंदर जल पहुंचा है, ऐसे जो हमारे लाखों लोग हैं उसमें से लगभग 28,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं जिनके साथ
मेरी बात जो सुन रहे हैं और कुछ लोग